आना जाना 1.5 घंटा बता रहे हैं, 2 घंटा 2 घंटा इधर जो जो ये चट्टाने हैं ना साथ में, इन पे सब पे आकृति, कोई ना कोई आकृति उकेरी गई है देवी देवताओं की। साबी मुड़ा साबी मुड़ा, भैया आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा से, आप कहाँ से? त्रिपुरा है ना, यहाँ पर पास में ही। आपका क्या नाम है? सुधन जमातिया। ओ, ये भी जमातिया है इधर? जमातिया जनजाति बहुत ज़्यादा रहती है त्रिपुरा में, लगभग 19 जनजाति है जिसमें त्रिपुरी जमातिया हलाम है ना, ये सब फेमस है। जनजातिया जमातिया जनजाति बहुत ज़्यादा रहती है, ये सब ट्राइबल लोग हैं। ये जो आकृतियाँ हैं ना, इनमें ज़्यादातर तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो सबसे ऊपर है ये पंच देवताओं का पैनल है। इसमें मुख्यतः शिव है, विष्णु जी हैं, और कार्तिक हैं, माँ दुर्गा हैं, और काली हैं। इनकी जो है छवि यहाँ पर उकेरी गई है। अगर मैं चुप हो जाता हूँ तो यहाँ पर नेचर की आवाज़ सुनिए। आपने हॉलीवुड की एनाकोंडा मूवी देखी है? अगर नहीं देखी है तो यूट्यूब पे एनाकोंडा मूवी है हॉलीवुड की, अभी आप देख लीजिए। शायद एंजेलिना जोली है एक्ट्रेस उसमें, अभी आप एक बार देख लीजिए। वो मूवी देखने के बाद जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गया था या किस चीज़ की बात कर रहा था। बांग्लादेश की साइड में छुपा हुआ त्रिपुरा, कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि यहाँ पर क्या खजाना दबा हुआ है। वहाँ जो घाट है छाबीमुड़ा, वहाँ से जो आगे हम जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक करीब 3 किलोमीटर का रास्ता ये बता रहे हैं, और आने जाने में 2 घंटा लगता है। वहाँ अगर आपको ज़्यादा रुकना है वो अलग बात है, लेकिन ये 2 घंटे आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन 2 घंटे होने वाले हैं। ये भी अपनी तरह का एक एक्सपीरियंस है, सुधन जमातिया मेरे दोस्त का नाम है, और ये थोड़ा सा थक गया था तो मैंने सोचा साथी रे हाथ से हाथ बढ़ाना। थोड़ा फिल्मी कम हूँ मैं, इसलिए गाने वाने नहीं आते, नहीं तो ऐसी सिचुएशन में बहुत अच्छा गाना बनता है। थोड़ा टफ काम है,
ऐसे चलाना, क्योंकि हमको आता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, बट अमेजिंग है और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। गोमती नदी का पानी उतना साफ नहीं है, काफी मटमैला सा है, मिट्टी टाइप का येलो सा है ये, और नदी में बहाव भी नहीं है, पानी में ठहराव है, शायद इसीलिए पानी गंदा है। इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, गोमती नदी का उद्गम और कहाँ जाती है, क्या बहाव है, अदरवाइज इस हिसाब से तो लग नहीं रहा है ये कहीं जाती है, पानी तो ऐसे ही खड़ा है। ये क्या है? अच्छा, पानी उसमें टकरा रहा है इसलिए ऐसे आवाज है। वो सामने जो बोट खड़ी दिख रही है, मोटर बोट है, वहाँ पर ये लास्ट पॉइंट है हमारा, जिसकी झलक यहाँ से दिख रही है 45 मिनट चलने के बाद, और ये लास्ट स्टॉप होगा इस रोमांचक सफर का, उसके बाद वापस घूमना है। तो हमसे पहले ये एक बोट आई है और ये अब वापस जाने के लिए भी रेडी हैं। वू गाइस, ये है साबीमूड़ा का सबसे बड़ा अट्रैक्शन। जब हम वहाँ से चले थे बोट से, तो चलने के बाद जो आकृतियाँ आई थी वो तो कुछ भी नहीं थी, ये सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ का आकर्षण। और ये है माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में इसमें दर्शाया गया है। करीब 20 फीट ऊंची मूर्ति है ये, और 10 हाथ हैं इसमें, 10 हाथों वाली 20 फीट ऊंची मूर्ति महिषासुर मर्दिनी की। ये सबसे बड़ा यहाँ का अट्रैक्शन है और लास्ट पॉइंट है इस राइड का। पुजारी जी, अच्छा ठीक है बाबा, ये मंदिर है या ये मूर्ति है दोस्तों, जिसको यहाँ का लास्ट पॉइंट मानते हैं, और ये वाकई जो हमारे 7 वंडर्स है ना, ये एक्चुअली उसमें आनी चाहिए, क्योंकि ये 20 फुट मूर्ति, 36 फुट। ओके, तो अभी जमायते भाई ने मेरे को बताया कि ये करीब 36 फीट की हाइट की माँ दुर्गा की मूर्ति है, जो महिषासुर मर्दिनी के अवतार में है, और 10 हाथों वाली मूर्ति है। एक्चुअली इस मूर्ति का ये जो आकृति उकेरी गई है, ये चट्टान पर ही उकेरी गई है, और इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि ये कब बनाई या किसने बनाई। प्राचीन में सत्तर युग में यह का एक हमारा एक त्रिपुरा का मेन डेड नक्की बाय द वास, तो एक राजा छिलो त्रिपुरा का देश। और ये हमारी प्यारी सी छोटी सी बोट खड़ी है, बोलो दुर्गा माई की जय, बोलो दुर्गा माई की जय, बोलो दुर्गा माई की जय। अगर आप मुझसे मेरी यात्रा का कंक्लूजन पूछें, तो ये है कि ये वन ऑफ द बेस्ट यात्रा अभी तक की मेरी रही है।
त्रिपुरा के बारे में वैसे ही मैं बहुत तारीफ कर चुका हूँ, तो यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए। वैसे तो छाबी मुड़ा के बारे में लगभग सभी जानकारी आप लोगों को दे दी है, फिर भी क्या होता है कि वीडियो बनाते टाइम कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो नहीं याद आती कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप और आपको कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो मेरे ईमेल आईडी पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या नीचे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी कमेंट कर सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरी देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे अपडेट्स मिलती रहें। इस त्रिपुरा यात्रा से रिलेटेड और भी कोई जो यात्रा आने वाली है, जो एपिसोड आने वाले हैं, उनका नोटिफिकेशन ताकि आप लोगों को टाइम से पहुंच जाए।